पुण्य और पाप का जो फल है शरीर को कदापि नहीं मिलता। शरीर ना पुण्य है ना पाप है, पाप और पुण्य को जो फल है वो आत्मा को ही मिलता है। अशुद्ध आत्मा जब जैसे शराब का चढ़ने का नशा शरीर को नहीं मिलता, ज्ञान को विक्षिप्त करता है, ज्ञान को विक्षिप्त कर देता है, ज्ञान को उन्मत्त करता है, शरीर को उन्मत्त नहीं करता। जब ज्ञान उन्मत्त हो जाता है तो शरीर उन्मत्त हो जाता है। इसलिए पुण्य और पाप का जो फल है वह आत्मा को सुख दुख के रूप में मिलता है। हाँ, उसका जो फल है वो फल पुद्गल में यानी शरीर में देखने में आता है, अथवा यूं कहें कि शरीर और आत्मा दोनों मिलते हैं वहीं पर पुण्य पाप होता है। पुण्य पाप संयोगज पर्याय है।